दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और आप उसे देखना चाहते हैं कि कौन है जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने स्नैपचैट में फ्रेंड रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने स्नैपचैट में कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखने के लिए, लड़का या लड़की है जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर में एक फ्रेंड वाला आइकन देखने को मिलेगा। आपको इस फ्रेंड वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्रेंड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर में आपको जिसने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होगा, सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको जितने सारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट भेजा होगा, यहाँ आपको एस्पेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दो लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, तो अगर मैं इन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं एस्पेक्ट पर क्लिक करूंगा। अगर आप इन्हें फ्रेंड नहीं बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप कट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके फ्रेंड से कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके स्नैपचैट में जितने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए होंगे, यहाँ पर वो सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप जिसे एस्पेक्ट या कैंसिल करना चाहते हैं, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी को स्नैपचैट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा। आप ऐड पर क्लिक करके आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप स्नैपचैट में अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।